हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे ही किसी प्रेग्नेंट महिला को पता चलता है कि ग्रहण लगने वाला है तो उसके मन में बहुत सारी चिंताएं हो जाती हैं, कैसे वो अपने गर्भस्थ शिशु को जो ग्रहण का निगेटिविटी है उससे बचाए, या फिर वो क्या करें क्या चीज़ें ना करें जिससे कि उसका बच्चा जो है वो स्वस्थ रहे और प्रेगनेंसी भी अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर आज सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, तो इस सूर्य ग्रहण में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सूतक काल होगा, क्या टाइमिंग होगा, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो ये सूर्य ग्रहण है ये रात को होने वाला है। ये रात को लगभग 9:12 से स्टार्ट होगा और 3 के करीब ये समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ग्रहण है, क्योंकि रात में हमारे इंडिया में सूर्य होता नहीं है, तो इस ग्रहण का कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा क्योंकि ये हमारे इंडिया में दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगह मान्यता ये होती है कि सूर्य और चंद्रमा एक ही हैं, चाहे हमारे यहाँ पे दिखाई दें चाहे नहीं दिखाई दें, लेकिन सूर्य पे ग्रहण तो है, इसलिए आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, ग्रहण पड़ने से पहले ही उनको अगर कुछ भी खाना खाना है, डिनर करना है, तो वो कर सकती हैं। उसके बाद ग्रहण पड़ने के बाद कुछ भी ना खाएं। अगर आपको कुछ पीना है, जैसे कि आप पानी पी सकती हैं, आप दूध पी सकती हैं, उसमें आप ग्रहण पड़ने से पहले ही तुलसी जल का जो पत्ता होता है वो डाल दीजिए, जिससे कि उसकी नेगेटिविटी, जो ग्रहण की नेगेटिविटी है, वो आपके पानी तक नहीं पहुँचेगी। आपके फ्रिज में अगर खाने पीने की कुछ भी चीज़ें रखी हैं तो उसमें सब में तुलसी जल का पत्ता डाल दीजिए, वो आप खा सकती हैं या फिर पी सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको ग्रहण के टाइमिंग में भूख लगती है तो आप फ्रूट्स खा सकती हैं, या फिर तुरंत बनाया हुआ अगर आप खाना खाती हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। इसके अलावा ग्रहण के टाइमिंग जो होता है उस समय आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। ग्रहण के टाइमिंग में आपको अपने रूम में ही रहना चाहिए, कर्टन वर्टन लगा लें जिससे कि ग्रहण की जो छाया है वो आप तक ना पहुँचे। इसके अलावा आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप कर सकती हैं उतना आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा आपको जो सूखा नारियल होता है, जो पानी वाला नारियल होता है, उसको अपने पास रखना चाहिए ग्रहण के टाइमिंग में, और सुबह आप नहा धो के उसको जल प्रवाह कर सकती हैं, या आपके घर में कोई है तो उससे करा सकती हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि ये जो ग्रहण की नेगेटिविटी होती है उसको अपने तक ही रखता है, प्रेग्नेंट लेडी की तरफ नहीं पहुँचने देता है या फिर उसके बच्चे तक नहीं पहुँचने देता है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रहण हमारे इंडिया में नहीं है तो इसका कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लोहे से बनी हुई चीज़ों से दूर रहें, नुकीली चीज़ों से दूर रहें, कोई भी घर में साफ़ सफाई का काम ना करें। ग्रहण के टाइमिंग में कोई भी साफ़ सफाई का काम नहीं करना चाहिए प्रेग्नेंट महिला को। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप वॉशरूम यूज़ कर सकती हैं, आप सो सकती हैं, इन सारी चीज़ों में कोई भी मनाही नहीं होती है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।